करने में बहुत मगजमारे लग रहा है। ये पहले वेल्डिंग करवाया और देखने में कितना मस्कुलर लग रहा है एंड स्पोर्टी लुक आ रहा है। जरूर आना और आने के बाद मेरा नाम लोगे तो डिस्काउंट तो पक्का है, मिलेगा। पहले से भी मिलता है, पहले से बहुत सारे लोगों को मिला था। यहाँ पे चेक करो कितना कुछ नया आया है। सो जब टैक्सी लुक आ रहा है लेकिन हम यहाँ पे हमेशा ये ऑन करके चलेंगे क्योंकि इलीगल काम नहीं करता है। नया वाला यहाँ पे एक लगवाया आज का व्लॉग इसलिए मस्त होने जा रहा है क्योंकि आज का व्लॉग होगा मेरे पैंथर पे। एंड जब भी मैं पैंथर पे कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ बहुत ज्यादा प्यार दिखाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो पे भी और भी ज्यादा प्यार दिखाऊँ। सो आज मेनली हम जा रहे हैं थोड़ा मॉडिफाई करने हमारे बाइक पे क्योंकि पिछले एक हफ्ते पहले बहुत ही ज़्यादा बहुत डेंजरस एकदम एक्सीडेंट हुआ था मेरा। मतलब पूरा इतना डेंजरस एक्सीडेंट था ना, मैं क्या बताऊँ, मेरे ऊपर से गाड़ी जाने वाला था। सो इसकी वजह से इसका ये सब कुछ टूट गया। ये सब कुछ तो ठीक करवाया, बहुत कुछ ठीक करवाया, लेकिन मुझे लगा कि एक्सीडेंट तो हो सकता है ना कभी कभी, तो इसके लिए मैंने मंगवाया था ये क्रैश गार्ड ऑनलाइन। अगर इसका भी लिंक चाहिए मैं आपको दे दूंगा। तो मेनली हम जा रहे थोड़ा और मॉडिफाई करने सेफ्टी के हिसाब से देखते हैं, मतलब सेफ्टी देखते हुए थोड़ा मॉडिफाई करवाएंगे आज थोड़ा लेग गार्ड वगैरह। उसके बाद मम्मी लोग जब बैठते हैं तो इस पर वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, फुट रेस्ट, ये भी लगवाएंगे। एंड और कुछ भी अगर पसंद आएगा तो वो भी लगवाएंगे। उसके बाद टेल टाइडी मॉडिफाई करना है मेरे को, ये वाला थोड़ा देखने में ऑड लग रहा है। इसके बाद देखते हैं कैसा होता है, लेकिन आज थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। और शुक्र है भगवान की वजह से मैं बच गया, वरना मैं ख़त्म हो जाता, इतना ज़्यादा गंदा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। हाँ, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द नेम ऑफ लॉर्ड महादेव। एंड बारिश भी आ रहा है, सो देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, कैसे कैसे वीडियो होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो आपको पता ही है जब भी मैं बाइक का मॉडिफाई कुछ भी करवाता हूँ तो ओबियसली द रोड लीड से करवाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत कुछ नया स्टॉक्स वगैरह आया है, वो भी हम डिस्कस करेंगे भाई से कि क्या क्या नया आया है। लेकिन पहले जो जो लाए हैं हम वो दिखा देते हैं। ये रहा मेरा क्रैश गार्ड एंड ये रहा लेडीज़ फुट रेस्ट। और अगर इनमें से कुछ पसंद आया तो अभी मैं वो भी सोच रहा हूँ कि लगवाऊँगा, जो भी पसंद आएगा वही लगवाऊँगा। लेकिन उससे पहले इसे थोड़ा खोलते हैं भाई। एक्सीडेंट के बाद ये पूरा ख़त्म, स्टीयरिंग ख़त्म, उसके बाद लीवर नया ख़त्म, ये भी ख़त्म, सब कुछ गया भाई। ये सब कुछ नया लगवाएंगे, फिर से बनाएंगे तो अंदर को पहले जाएगा। लुक विदाउट एनी क्रैश गार्ड एंड आप देख लो इसके बाद लगने वाला है ये, जिसके वजह से ये और भी ज़्यादा ब्रॉड लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगा ये लगने के बाद कि कैसा लगता है। यहाँ पे एक साइड का कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे लगने वाला है हमारा फ्लोक साइडर जो कि ये भी मेटल का है। ये यहाँ से देखोगे तो इतना ज़्यादा गैप है सिर्फ एक साइड का, दूसरे का भी लगना बाकी है, इतना गैप है। इसके बाद और भी ज़्यादा निकलेगा ताकि इसको भी डैमेज ना हो, क्योंकि भाई अभी सेफ्टी के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ। एक बार हो गया तो एक बार नहीं, मेरे साथ तीन बार हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि इसके बाद और अगर कुछ हो तो इससे ज़्यादा डैमेज हो मेरे पे। इसकी वजह से सेफ्टी इज़ इम्पोर्टेंट गाइस। सो अभी ये लग चुका है पहला फोक साइडर, इसके बाद और एक लगेगा नीचे ताकि इतना बाहर आ सके, गिरेगा तो डायरेक्ट इस पर इम्पेक्ट होगा, इस पर ना हो। तो अभी सेफ रहेगा इंजन वंजन वगैरह भी, और देखने में कितना मस्कुलर लग रहा है एंड स्पोर्टी लुक आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। देखते दोनों लगने के बाद कैसा लगेगा। एंड आप बस ये चेक करो कितना वाइड लग रहा है पीछे से, एंड सामने से दिखाऊंगा, यहाँ से ज़्यादा नहीं समझेगा, बाहर जाके मैं दिखाऊंगा कि कितना ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, एकदम पूरा बहुत मजबूत है। अभी गिरेगा विरेगा उसका भी कोई टेंशन नहीं है, आराम से चल सकते हैं भाई। अब तो पूरा मस्त हो गया देखने में, अगर आप सामने से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वाइट लग रहा है अभी, मतलब पहले के साथ और आपके साथ पूरा मॉन्स्टर जैसा वाइट बन गया भाई, देखने में भी बहुत सही लग रहा है भाई साहब। पीछे जो है वो अभी खोलकर इसके बाद हम यहाँ पे लगवाने जा रहे हैं मैग्नेटिक टेल टाइडी। सो ये देखते हैं कैसा लगता है, मस्ती लगेगा क्योंकि ये पूरा इधर से पीछे से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा निकाला हुआ है। ये निकला हुआ जो है वो अभी पूरा खोल देंगे, इसके बाद हम लगवाएंगे यहाँ पे टेल टाइडी। इसके बाद इसका पीछे का लुक और भी एनहेंस हो जाएगा, ये आखिरी बार के लिए ये देख लो। एंड इसके बाद लगने जा रहा है हमारा मैग्नेटिक टेल टाइडी, वो चेक करना एंड ज़रूर कमेंट पे बताना कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब ये चेक करो भाई, अगर ऐसे लेके जाऊँ तो क्या ही मस्त लगेगा, लेकिन
ऐसे चलाने जाओ तो पुलिस जरूर पकड़ेगा, क्योंकि पीछे का नंबर प्लेट कुछ भी नहीं है। लेकिन भाई देखने में क्या ही सेक्सी लग रहा है भाई, क्या ही सेक्सी लग रहा है भाई। ये देखो भाई, ये चेक करो आप, क्या ही ब्रॉड लग रहा है, क्या ही ऊंचा लग रहा है। अब यहाँ पे लगेगा ये, देखते हैं ये लगने के बाद कैसा होता है। तो हमारा यहाँ पे टेल डाइडी लग के पूरा रेडी है, जिसको हम ऐसे करके छुपा भी सकते हैं, तो कोई ट्रैफिक का कोई सीन नहीं होगा, मतलब फाइन वगैरह। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि कोई मत लगाना, लेकिन लगवा लिया भाई, अच्छा लग रहा था तो मुझे भी चाहिए था। एंड इससे थोड़ा स्पोर्टी लुक भी आ रहा है। अब देखो पूरा पहले कितना ज़्यादा निकला हुआ था यहाँ से, लेकिन अब बस इतना ही है। एंड अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या ही लग रहा है भाई, देखो क्या ही लग रहा है भाई, पूरा मस्त कदर दिख रहा है, बस सेक्सी लुक आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे हमेशा ये ऑन करके चलेंगे, क्योंकि इलीगल काम नहीं करना है। इसके बाद ये टूट गया था, अभी फिर से लगवा रहा हूँ ये नया वाला। यहाँ पे एक लगवाया एंड वहाँ पे अभी एक लगने जा रहा है नया वाला। अगर इसका भी आपको लिंक चाहिए तो सबका डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। एंड अभी ये आएगा टोटल लुक पूरा मेरा बाइक का एकदम सामने से। यहाँ पे हैंडल बार लगा हुआ है एंड यहाँ पे क्रैश गार्ड सब कुछ लगा के एकदम मस्त सा लग रहा है। तो इसका क्वालिटी आप इसका क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, एकदम ब्रांड न्यू लगवाया ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये पहले दिन जब मैं नया लाया था इसके बाद वाले दिन टूट गया था एक्सीडेंट पे। तो ये अब लगने के बाद दिखाऊंगा, चेक करूंगा सिनेमेटिक व्यू आपको। बस मम्मी का कंप्लेंट रहता है कि जब भी बैठती है यहाँ पे पैर नहीं रख पाती है, लेकिन अब से वो कंप्लेंट भी गया, क्योंकि यहाँ पे लगवाने जा रहे हैं लेडीज फुट रेस्ट, जो कि लगेगा यहाँ पे। ये लगाने में बहुत मगजमारी लग रहा है, ये पहले वेल्डिंग करवाया, ये छोटा पड़ रहा था, अब जाके ये जाके सही फिट हो रहा है भाई, बहुत मगजमारी है। ये वाला पार्ट थोड़ा स्किप ही करना अगर नहीं होगा तो, अगर कोई लेडीज़ वगैरह बैठे तो ये लगाना ज़रूर, वरना नहीं भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है ये, हर चीज़ मेरा बाइक का हर एक चीज़ वो लगवाता है। सो भैया को भी थैंक यू, ओ भाई शब्दम भाई थैंक यू। ये बहुत मेहनत है भाई, बहुत कुछ कर रहा है, ये बहुत लोग यहाँ पे मतलब बहुत काम करवाते हैं यहाँ पे। सो ज़रूर विजिट करना, ये रहा द रोड लीड्स, तो ज़रूर आना। एंड आगे मैं दिखाऊंगा इस बाइक का सिनेमेटिक। बताइए कि मैं हर वक्त कहाँ से मॉडिफाई करवाता हूँ। सो जहाँ पे आप लोग अगर त्रिपुरा से देख रहे हो, बहुत लोग क्वेश्चन करते हो कि मैं अपना बाइक कहाँ से मॉडिफाई करवाता हूँ। सो मैं करवाता हूँ द रोड लीड से। सो कि जो कि भैया का आप पहले से जानते ही हो, क्योंकि पहले बार बहुत सारे ब्लॉग पे भी आ चुके भैया। एंड आप देख ही पा रहे होंगे कि पूरा घर पूरा मॉडिफाई, मतलब बहुत कुछ है, नया नया स्टॉक आया है, हैंडल वगैरह, हैंडल बार वगैरह स्टॉक, इसके बाद क्रैश गार्ड वगैरह हाफ एंड फुल, वो व्हील कैप, बहुत कुछ है। मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, लेकिन भैया के दुकान पर भी बहुत सारा नया स्टॉक आया है। सो अब यहाँ पे चेक करो कितना कुछ नया आया है। सो ज़रूर विजिट करना भैया का प्लेस। एंड और दो तीन दिन में शायद नया आ रहा है ना स्टॉक। हाँ, दो तीन दिन में नया स्टॉक आ जाएगा, और क्योंकि मार्केट में बहुत नया बाइक आया है, नया बाइक लॉन्च हुआ है, कि वो बाइक के लिए दो तीन दिन हमको टाइम देना पड़ेगा, कि क्योंकि किसी कुछ कुछ राइडर्स को क्या बहुत सारा चीज़ है कि इंस्टॉल करना चाहिए। हाँ हाँ, क्या प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ है, तो नया नया बाइक जो आ रहा है मार्केट में उसके लिए हमको थोड़ा सा हमारे इधर ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत कम है जो नया बाइक आ रहा है मार्केट में। ठीक है, तो जिस जिस राइडर्स को ये इंस्टॉल करना है, नया बाइक में कुछ इंस्टॉल करना है, तो हमारे इधर आ सकते हैं, और हमारे दुकान पे नहीं रहेगा अभी, फिर भी हम ऑर्डर करके आप लोगों को माल दे देंगे। यहाँ पे एक फैसिलिटी ये है कि अगर आपको एक कुछ चाहिए वो आपको अगर नहीं मिल रहा है तो भैया को आप दिखाओ, भैया जरूर ला के देगा, क्योंकि भैया बाहर से लाते, कोई यहाँ से नहीं लाते, बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट करवाते हैं। एंड यहाँ पर अगर आपको N160 का भी चाहिए वो भी मिल जाएगा, क्रैश गार्ड एंड सब कुछ का मिल जाएगा, क्रैश गार्ड यहाँ पे यूट्यूब का लोगो वगैरह सब कुछ है। सो इफ यू वांट कि सब कुछ चाहिए तो जरूर आना, और आने के बाद मेरा नाम लोगे तो डिस्काउंट तो मिलेगा, पहले से भी मिलता है, पहले से बहुत सारे लोगों को मिला था, कस्टमर लोगों को मिला था, मेरा नाम लिया था, डिस्काउंट मिला था, बहुत सारा चीज है भाई, बहुत सारा चीज है। आप एक बार आओ, आके देखो, जो जो चाहिए बाइक पे वो सब इंस्टॉल करो। तो यही तक था हमारा वीडियो। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।